कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक अब कल होगी। जो आज बैठक होने वाली थी, अब वो कोर कमेटी की बैठक कल होगी। तो आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक आयोजित की जाएगी। चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन को लेकर ये मंत्रणा होगी। सीएम गहलोत, अध्यक्ष चौटाला और प्रभारी रंधावा सहित सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। तो ये आज कोर कमेटी की बैठक होने वाली थी, जो कि अब कल दोपहर 2 बजे होगी पीसीसी वॉर रूम में। तो ये बैठक के समय में दिन में बदलाव हुआ है। जो बैठक आज होने वाली थी, अब वो बैठक कल होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक जिसके अंदर चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन को लेकर मंत्रणा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी। जब अब आज कोर कमेटी की बैठक नहीं होगी, कल ये कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता दिनेश टांगी फोन लाइन पे। दिनेश, आज नहीं होगी, अब ये बैठक कल होने वाली है, और किस तरह की ये बैठक होगी, कौन कौन बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की एक कोर कमेटी का गठन कर रखा है। कोर कमेटी की पहली बैठक भी हो चुकी है और आज दूसरी बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते अभी ये बैठक आज निरस्त हो चुकी है। और कल दोपहर 2 बजे बाद कांग्रेस के जो पीसीसी वॉर रूम है, वहां पर ये बैठक होगी। और कोर कमेटी में तमाम वरिष्ठ नेता, सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष चौटाला, सचिन पायलट, हरी चौधरी, इन नेताओं को सदस्य बनाया गया है। और कल करीब दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच वॉर रूम में यह बैठक होगी। और बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होगी, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कमेटी के सदस्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उन पर भी डिस्कशन यहाँ पर होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब आज ये बैठक नहीं होकर कल दोपहर 2 बजे बाद बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी देने के लिए। तो चुनावी साल है और चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर जो कोर कमेटी की बैठक है, जो कोर कमेटी गठित की गई थी, उसकी पहली बैठक हो चुकी है। जो आज दूसरी बैठक होनी थी, अब वो कल होगी। तो ये समय और दिन में बदलाव किया गया है, तो ये बैठक कल की जाएगी।